सर आप लोगों को एक और कमाल की बात बताऊं भाई, तो जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो भैया इसमें ये नहीं बताता कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, सीधे पैसे दो उसके बाद पता पड़ेगी आपको कि आपको स्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो भाई मेरा नाम है जयेश और आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो भाई आज की टॉपिक में ना, आज हम लोग कुछ नई बातें करेंगे, है ना, क्योंकि आज मैंने यार आज से 2 महीने पहले मैंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, मेरा स्लॉट बुक हुआ नहीं हुआ, तो उसके बारे में आपको आपको एक नई खबर देने वाला हूँ, क्योंकि यार 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। मैंने 8 तारीख को 7वें महीने में उसके लिए अप्लाई किया था, बट लेकिन अभी तक नो रेस्पॉन्स, इवन मेरा स्लॉट भी बुक नहीं हुआ, ठीक है। विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा मैं, बस वीडियो देखना फुल एंड तक देखना यार। ये चीज़ ना मुझे सबसे बड़ी गंदी चीज़ लगी है कि आप लोग पेमेंट क्यों ले रहे हो फिर हम लोगों से, अगर आपका स्लॉट अवेलेबल नहीं पेमेंट क्यों ले रहे हो भाई, ठीक है। या तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम रखो, पेमेंट ले लिया आपने, जब भी स्लॉट अवेलेबल हो बंदे के लिए स्लॉट अवेलेबल करा दो, जब उसको मैसेज दो भैया स्लॉट अवेलेबल है, ऐसी भाई कोई सर्विस नहीं है, सब सारा स्कैम चल रहा है, पैसे ले लेते हैं, आपको स्लॉट बुक करना है करो, नहीं करना मत करो, सब बाहर चल रही है भाई। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा सब। सो बने रहो पूरी वीडियो में, आप लोग पूरी वीडियो देखो यार, उसके बाद बताना मुझे कि मैंने जो भी बोला, मैंने आपसे जो भी बोला वो सही है गलत है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद इट। सो चलो गाइस, मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद इट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और कमेंट करो यार, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, पढ़ ले तो मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है। तो मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ इसकी, है ना, इसकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अपनी स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, वहाँ पर आप देखना। तो भाई स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना। तो भाई देखो, ये खुली मैंने परिवहन की अपनी वेबसाइट, है ना, जो RTO की, जहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरा इसमें जो एप्लीकेशन है कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो स्लॉट बुक नहीं हो पाया था, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस के लिए हम लोग पहले एक टेस्ट देना होता है, तो टेस्ट के लिए आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो वो स्लॉट मेरा बुक नहीं हुआ, मेरा पेमेंट हो गया, मेरी डिटेल सारी भर चुकी हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस स्लॉट बाकी रह गया था मेरा। आज से 8 तारीख को 7वें महीने मैंने अप्लाई किया था अपने लाइसेंस के लिए, अब क्या चल रहा है 4 तारीख 9वां महीना, भाई 2 महीने ऑलरेडी होने वाले हैं, 4 दिन बाकी, 2 महीने होने हैं, ठीक है। अभी एप्लीकेशन देखो आप, तो इसमें पहले मैं लॉगिन कर लूँ जल्दी से, फटाफट लॉगिन कर लिया हमारा अपना। तो ये है मेरी आईडी पूरी, यहाँ पे आईडी देखो मेरी पूरी, एप्लीकेशन डेट देखो यहाँ पे 8 तारीख 7वें महीने में मैंने अप्लाई किया था, 8 तारीख को 7वें महीने 2020 किया था भाई, ठीक है। तो अपने आगरा के RTO में किया था मैंने, ताकि मेरा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लाइसेंस टेस्ट हो जाए, पर लेकिन भाई ना देखो, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए लर्निंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था इसमें ना, और इवन देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीटेड है, सब कुछ, सिग्नेचर, फोटो, है ना, एप्लीकेशन डिटेल्स, फी पेमेंट तक 500 रुपये करीब पेमेंट किया था मैंने इसमें, है ना, वो तक लगा दिया, बस मेरा स्लॉट बुक बाकी रह गया है, ठीक है। पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ स्लॉट लेने का, देखना भी क्या आएगा भाई। ये मैसेज ना, नेक्स्ट 90 डेज स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, भाई ये मैसेज मुझे पिछले 1.5 महीने से, दो महीने से यार, जब से मैंने अप्लाई किया ना, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ रेगुलरली लर्निंग लाइसेंस के लिए, है ना, तो तब से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि नेक्स्ट स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर 90 डेज। अरे भैया, जब तुम्हारे पास स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है तो तुमने हमारा पेमेंट क्यों लिया, समझ रहे हो, जब तुम्हारे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो पेमेंट क्यों लिया, अगर पेमेंट लिया है तो हम लोग को अपडेट दो ना जब स्लॉट अवेलेबल हो रहा है, तो ये तो एक तरीके से स्कैम कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो भैया हमारे संग, क्या चाहते क्या हो, क्या तो पैसे ले लिया आपने, ठीक है, आप लाइसेंस बनवाओ या मत बनवाओ, बैठे रहो, ये चाहते हो क्या भैया, काहे कर रहे हो हमारे साथ भैया, क्या क्या दिक्कत है भैया, अपने सिस्टम को थोड़ा अपडेट करो भाई, जब स्लॉट्स अवेलेबल आ रहे हैं तो जिन्होंने फी पेमेंट कर दी उनको मैसेज भेजो स्लॉट अवेलेबल है भैया, जो स्लॉट बुक करना चाहता है कर लो, क्यों नहीं कर रहे भाई, प्लीज़ डू भैया, डू समथिंग भैया, 500 गए हमारे, 500 छोड़ नहीं सकते आप बस उनको भैया, यही था, ठीक है। आप लोगों ने पूरी डिटेल देख ही ली होगी जब मैंने अप्लाई किया था, इवन यार मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि भैया मेरा लाइसेंस बन जाए, पर लेकिन यार 2 महीने समझ लो, 2 महीने अब तक मेरा परमानेंट लाइसेंस बन के आया था यार, अब तक मेरा लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट नहीं हुआ गुरु, सबसे बड़ा कलेश तो यही पड़ गया, अब यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ या फिर भैया गाड़ी चलाना बंद कर दे, क्या चाहते हैं भैया, अब पुलिस वाले तो हाल पकड़ लेंगे हम लोग, जब वहाँ पर चेकिंग लगा देंगे, वो थोड़ी ना मानेंगे कि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो थोड़ी ना मानेंगे हमारी बात, धर लो चलन कटवा लो, क्या साला RTO इतना स्लो है हमारा यार, तो हम लोग क्या करें फिर भाई, 2 महीने पहले अप्लाई किया था, अभी तक स्लॉट बुक हुआ ही नहीं है, ठीक है, गई 2-3 महीने की और स्लॉट बुक होगा नहीं, इस साल हमारा लाइसेंस बनेगा ही नहीं,
गाड़ी चलाना छोड़ दें भैया। क्या यार, अब पैसा ले लिया हमारा, ठीक है भाई, बंदा फ्रस्ट्रेट होके, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बुक किया, ठीक है भाई, मेरी जगह कोई और है, वो पेशेंस नहीं, उसको उतना पेशेंस नहीं है उसको, उसमें तो भैया वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा ना, उसने फी, उसने पैसे भी दे दिए अपने, ठीक है, वहाँ से उसका लाइसेंस बन नहीं पाया, वो कहीं कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा, किसी और तरीके से बनवाएगा अपना, वो दो नंबर से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 500 जा गए, ये पूरे पूरे सरकार के खाते में चले गए, हमारा कुछ काम हुआ ही नहीं, काय कर रहे हो भैया। सर आप लोगों को एक और कमाल की बात बताऊं भाई, तो जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो भैया इसमें ये नहीं बताता कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, सीधे पैसे दो उसके बाद पता पड़ेगी आपको कि आपको स्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा गंदा गेम यही है इसके अंदर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और दूसरी थिंग भाई, इसमें स्लॉट अवेलेबल जो दिखा रहा है वो बहुत टाइम से 90 डेज को लिए डिले कर रहा है ये, और इन लोगों ने पैसा भी ले लिया, 90 डेज के डिले कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी गंदी चीज़ लग रही है कि भाई आप लोग पेमेंट ले क्यों रहे हो जब आपका स्लॉट अवेलेबल नहीं है, और इवन यार ये लोग नोटिफिकेशन भी नहीं देते जब स्लॉट अवेलेबल होते हैं तब, ठीक है। आज सुबह मैं चेक कर रहा था जब स्लॉट अवेलेबल थे, बट लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, ठीक है, दो महीने बाद ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं मुझे मिल जाए स्लॉट, मिल जाए, पर ये स्लॉट नहीं मिल रहा था गुरु। आज ट्राई किया तो देखा 31 दिसंबर का मुझे स्लॉट मिल रहा था, उसमें उसको मैंने स्लॉट बुक करने की कोशिश करी, सिक्योरिटी कोड भी आ गया, पर लेकिन भाई वो जो स्लॉट था ना वो बुक हो ही नहीं रहा था। सो भाई आज की वीडियो में ये था कि भाई अगर आप लोगों में से किसी ऐसा हो रहा है तो भैया मुझे कमेंट करो, और भैया आरटीओ को समझाओ कि भैया हमारा भी लाइसेंस बना दे, भैया बना दो यार हमारा लाइसेंस गुरु, गाड़ी वाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत। चलो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड स्टे हैप्पी।